हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, आरके स्कूल कुशाली बाजार से। जैसा कि कल भी हमने क्लास फर्स्ट को मैथ पढ़ाया था, ये चीज़ जिसमें रिवीजन आपको मैंने करवाया था, तो आज आप सेकेंड स्टेप देखेंगे इसमें का, नेम ऑफ कलेक्शन, मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट। जो भी नाम दिए गए हैं उन्हें आपको इकट्ठा करके ऐड करना है। तो बेटा ध्यान से आप बुक निकाल लीजिए और बुक में आप देखिए, खोल लीजिए, पेज नंबर 6 पर है, सेकंड पेज है। बेटा लिखा है, देखो, नेम ऑफ कलेक्शन, वस्तुओं को इकट्ठा करना है, जो भी हैं उन्हें आपको काउंट करके, गिन करके सामने लिखा है एक कलेक्शन ऑफ, उसी के आगे आपको बॉक्स में भर देना है, जो डैश बना हुआ है उसी में आपको भरना है। तो फर्स्ट आपका है, काउंट करिए, 1 2 3 4, यहाँ आप 4 भर दीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए आप पेंसिल से। बेटा ऐसे यहाँ 4 आप भर दीजिए। उसके नीचे सेकेंड में फिर आइए आप, उसके नीचे फर्स्ट आपका बॉल, फिर बैट, फिर बैडमिंटन, चिड़िया, इनको भी आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4। उसके नीचे सामने भी आप 4 भर दीजिए। फिर इसके जो तीसरे स्टेप में आइए बेटा, बैगन, करेला, भिंडी, और ये खीरा है, तो बेटा इसे भी ऐड करिए, जहाँ भिंडी शब्द है वहाँ 3 है, 3, तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा आप उसके सामने, उसी के ठीक सामने पेंसिल से आप 6 भर दीजिए। उसके नीचे आइए बेटा, चौथे स्टेप में अनार, सेब, तरबूज, पपीता, इसे भी आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4। उसके नीचे भी जहाँ लिखा है एक कलेक्शन ऑफ, उसके सामने भी आप दे दीजिए 4। तो ये बेटा पेज नंबर 6 जो नीचे लिखा हुआ, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। जो भी बॉक्स खाली था उसमें आप पेंसिल से ही भरिएगा, पेन नहीं चलाइएगा। अब उसके आगे आ जाइए, पेज नंबर 7 पर लिखा है काउंट एंड राइट, अब आप इसे, हम इसे इरेज कर देते हैं और फिर लिखते हैं हम काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट। काउंट माने गिनना, एंड मिस और राइट मिस लिखो, मतलब गिनो और लिखो, इसे भी हम इरेज कर देते हैं। अब आप बुक में देखिए बेटा, फर्स्ट आपका है, उसके नीचे भी लिखा है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। काउंट द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को गिनिए और सामने बॉक्स में उनके नंबर को लिखो। तो बेटा फर्स्ट ए डाला हुआ है, ए में आपका बना है बेल, घंटी, तो आप गिनिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सामने जो बॉक्स बना हुआ बेटा आपने ए डाला हुआ है ऐसे, इसके सामने आपका बॉक्स बना है और यहां आपका बिल बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है आप देखिए बिल। इसी को आप काउंट करके हमने कितना गिना था अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 गिना था, तो सामने आप इसके 14 आप बॉक्स में भर दीजिए। ठीक है बेटा, अब बी में आ जाइए आप उसके नीचे। बी में आपका है देखिए बेटा क्या बना हुआ है, कैप जिसे आप लगाते हैं अपने हेड में टोपी, तो इसको भी गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना मिला बेटा, 8। तो बी डाल करके जो यहाँ कैप बना हुआ है इसके सामने बॉक्स में आप भर दीजिए, क्या भर देंगे, 8। ठीक बेटा, अब आ जाइए सी में। सी क्या है आपका, सी आपका है सी में आइए बेटा, सी में आपका है बटरफ्लाई तितली, इसे भी आप काउंट करिए गिनिए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके सामने जो आपका बॉक्स है उसमें फिल करिए कितना, 10 ले दीजिए बेटा, हो गया। अब आइए आप नंबर डी, उसी के नीचे है। नंबर डी का मतलब बेटा 1, 2, 3, 4 चौथा स्टेप, चौथा चौथे स्टेप में आपका है बॉल गेंद, उसे भी काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना मिला बेटा, 9। आप उसी के सामने बॉक्स में फिल करिए कितना बोला बेटा मैंने, 9। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको आज पेज नंबर 6, 7 दो स्टेप पढ़ाया है। अब एक बार इसे मैं फिर से रिवाइज करता हूं बेटा, देखिए ऊपर इसे लिखा था कि काउंट एंड राइट, गिनो और लिखो। ए में आपका क्या बना था, बेल मीन्स घंटी, उसको मैंने गिना था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 उसके सामने बॉक्स मैंने कितना फिल किया, 14। ठीक बेटा, इसके बाद बी में आ जाइए। बी मैंने क्या बताया था कि कैप बना हुआ है टोपी, उसे भी आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसके सामने बॉक्स मैंने कितना फिल कर दिया, 8। अब बेटा सी देखिए, उसके नीचे जिसमें था आपका बटरफ्लाई, उसे भी आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसके सामने, सी के सामने बेटा फिल करिए बॉक्स में 10। आप सबसे नीचे और लास्ट स्टेप बेटा डी, उसमें आपका बना था बॉल गेंद, उसे भी आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना मिला बेटा, 9। डी के सामने बॉक्स में फिल कर दीजिए आप 9। इस तरह बेटा मैंने आपको पेज नंबर 6 और 7 दो काउंट कराया और दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स ही था, काउंट करके लिखना था, ये आपका दोनों कंप्लीट हो गया। तो बेटा जितना आपको पढ़ाया जाता है बुक से, पेंसिल आप हाथ में लिए रह करिए, जो बताया जाए तुरंत आप उसके बॉक्स में फिल करते जाइए। और इसके लिए आप एक फेयर बना लीजिए, फेयर कॉपी में इसको आप लिखते चलिए। और अभिभावक महोदयों से भी मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को बुक जो है परचेज करा दें, जिससे कि आपका बच्चा
अच्छी तरह से स्टडी कर सकें, क्योंकि बुक के माध्यम से ही पढ़ना है। फेयर आप बनाते रहिए जो है घर पर, और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है इसके बाद हम आपको होमवर्क भी देंगे, उसके लिए आप एक रफ ले लीजिए, डेली बेस के तौर पर उसे आप कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि अध्यापक आपके घर जाएंगे तो होमवर्क आपको चेक कराना होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं और होमवर्क आप लिखिए। बेटा आप डालिए, जरूर डालिए, हमें डेट पड़ी, डेट भी डालिए। फर्स्ट आपको हम देंगे ऐड, ठीक है बेटा, और ऐड आपको हम देते हैं 5+6, छोटा ऐड है बेटा, आप कर लेंगे 9+2। Eight plus six, zero plus 13, 12 plus 9, 13 plus 3, 0 plus 10, ये है बेटा ऐड हो गया आपका। सेकंड नंबर डाल दीजिए आप सब्ट्रैक्ट, नाइन माइनस टू, टेन माइनस फोर इक्वल, 12 माइनस 6 इक्वल, 4 माइनस 4 इक्वल, 15 माइनस 8 इक्वल, 19 माइनस 7 इक्वल, 7 माइनस 0 इक्वल। ये आपका है होमवर्क बेटा, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा। यदि आपको कोई समस्या होती है बेटा तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, विद्यालय के माध्यम से आपकी समस्या को हल किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।